किसानों को तो सारी समस्याएं समस्याएं, एक समस्या भी तो हल नहीं करी इन लोगों ने, तो सत्ता में बैठते 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह अपनी बढ़ाएगा, अपनी समस्या हल करी। किसान की एक पैसे का काम कराओ तो बताओ जुमलेबाजी के सिवाय। ये तो जमीन भी हमारी चौधरी राकेश टिकैत ने बचाई थी, जमीन बेटानी अंबानी को दे दी थी। ये तो अंबानी की ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने पर जोर चल रहा है, सारी सरकारों का यही काम हो रहा है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे, अब जनता को हम समझा रहे और जनता समझेगी। जैसे हरिद्वार में 8 सीट मतलब 3 सीट आई इनकी, ऐसे ही ये ग्राफ बढ़ेगा और ये सब सफाया होगा। एक दिन लोग इनके पीछे दौड़ेंगे, इन्हें पकड़ेंगे, भागेंगे इनके पीछे लोग, जनता। ऐसा माहौल हो गया, गुजारा करना मौत हो गया, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का गुजारा मौत हो गया। इन्होंने क्या करा, पहले ठेके भी सब ले लेते, अब इन्होंने ठेकों की मंत्रियों ने अपनी कंपनी बना दी और वो कंपनी पेटी में नीचे काम दे और फिर उन लोगों का पैसा भी नहीं देती। पूरी तरह से ये देश पूरा मकड़जाल ईस्ट इंडिया कंपनी के चक्कर में फंस गया। हमारा तो कुछ हुआ नहीं, ना फसलों के रेट बढ़ रहे, ना अभी DAP का 1900 रुपये कर दिया, ना बिजली कम, हमारा कुछ नहीं। हमारा तो सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। जिस माह हम 1 तारीख में बड़ी पंचायत करेंगे हर जिलों में, 6-7 जिलों में, जो जहाँ संगठन है पूरा इनका वहाँ हम विरोध करेंगे। और उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद हमको 9 तारीख सबके मसूले देंगे और हम देहरादून राजधानी घेराव करेंगे सचिवालय का। हम पूछेंगे सचिवालय गरीबों के लिए है कि अडानी अंबानी के लिए है, तो ये हम काम करेंगे। मांग हमारी है डीजल 50 रुपये लीटर दिया जाए, बिजली किसान को फ्री दी जाए, गन्ने का रेट 500 रुपये हो, अन्य फसलों के रेट भी सभी ये बढ़ाए जाए और पहाड़ की चकबंदी हो और पहाड़ के फसलों को मंडी तक ले जाने की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाए, जंगली जानवरों की वहाँ नसबंदी हो और जो चलान है 10,000 का CPU का 100 रुपये का हो, ये डकैती हर जगह डकैती जुमला कह दे कि एक्सीडेंट नहीं होने के, क्या एक्सीडेंट बंद हो गए 10,000 का चलान होगा, जुमला ऐसा देंगे उसके पीछे। ये जुमलेबाजों की सरकार है। MSP पर गारंटी कानूनी, हमारी मांगे हैं सब।